अगर पत्नी किसी और के साथ भाग जाती है, मतलब कोई दूसरे पर्सन के साथ भाग जाती है या उसको भगा कर लेकर चला जाता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में पति दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है? या मान लीजिए पहली पत्नी, मतलब पहले पति के बारे में छुपाकर पत्नी किसी दूसरे से शादी करती है, तो ऐसी चालबाज पत्नी को आप कैसे सबक सिखा सकते हो? मतलब भागने वाली पत्नी का तो उसको पता है कि भाई ये शादीशुदा थी, भगा के लेके गया, लेकिन वह कहीं और जाके छुपकर किसी और को कहती है कि साहब मेरा तो पहले पति से लेने देना कुछ है ही नहीं, और दूसरे के साथ अगर शादी कर लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में भैया दोनों पति उसके कैसे बैंड बजा सकते हैं? तो आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक मैं कवर कर लेता हूं कि अगर कोई पत्नी भाग जाती है या उसे कोई भगा कर लेके चला जाता है, और आपको कन्फर्म पता है कि साहब उसका चक्कर चल रहा था, उसके साथ वो भाग चुकी है या उसने शादी कर चुकी है, तो मैं तो अब दूसरी शादी कर लेता हूँ। देखिए नहीं, अगर कोई भी पत्नी भाग जाती है तो भी आपकी वो वाइफ है और आपका अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे अपोजिट पत्नी भी सोच सकती है इस चीज़ को लेके, अगर पति किसी और के साथ भाग जाए या और से शादी कहीं जाके रह रहा किसी के साथ, तो भी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में भैया सबसे पहले तो उसकी अपहरण, आपको पता है कोई अपहरण करता था उसका अपहरण का भी लगाइए, 363 केस लग सकते हो, गुमशुदी का भी आप डाल सकते हो, ठीक है, और या 498 का भी उस पर मुकदमा कर सकते हो कि कोई षड्यंत्र के तौर उसको भगाया फुसलाया है, उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके आई, अरेस्ट करने के बाद उसके 161 के बयान होंगे, 161 के बाद 164 के बयान होंगे, और उसके बाद उसकी क्लोजर रिपोर्ट लग जाएगी, उसमें पूरा रीजन मिल जाएगा कि साहब वो अपनी सहमति से रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, जो भी है, और उसके ग्राउंड के आधार पर आप डाइवोर्स लीजिए और फिर आराम से दूसरी शादी कर लीजिए। मतलब अगर एक पत्नी भग भी जाती है तो भी उसकी कंप्लेंट करके उसके बाद आप उससे डाइवोर्स लेके तभी दूसरी शादी कर सकते हो, अन्यथा आप भी बाय गिविंग की कैटेगरी में माने जाओगे अगर आप शादी कर लेते हो। तो कुल मिलाकर आपका जो डाउट था इस वीडियो में, ये तो एक टॉपिक तो मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन बाई चांस अगर कोई दूसरा सवाल लेता हूँ अब मैं, कि अगर पत्नी पहली शादी को छुपाकर किसी और से शादी कर रही है, कई महिलाएं होती बड़ी सातिर होती आजकल, तो शादी.com वगैरह उन पर जाके देखिए भैया, कोई को तो 30-30, 40-40 शादियां कर रखी है, बिजनेस बना रखी है कहीं, तो ऐसे सिचुएशन अगर कोई महिला करती है ऐसा काम, तो भैया पहला वाला पति क्या कर सकता है? पहला वाला तो भाई 494 बाय गेमिंग का करेगा और एडल्ट्री का ग्राउंड बनाएगा, डाइवोर्स लेगा और फ्री फोकट में आसानी से तलाक ले लेगा और अपनी लाइफ दूसरी स्टार्ट कर लेगा। लेकिन दूसरा वाला पति क्या करे साहब? देखो दूसरा वाला पति भी 420 तो करेगा, ठीक है, और 495 का भी करेगा, मतलब 420 और 495 IPC का केस करेगा, जिसमें भैया 7 साल की सज़ा एक में है और 10 साल की सज़ा एक में है, और ना ही भरण पोषण देगा, ना ही शादी उसकी वैलिड मानी जाएगी, ऐसी सिचुएशन में भैया शादी भी जीरो घोषित हो जाएगी और ना ही वो पत्नी कहीं की रहने वाली, ना घर की ना गांठ की, और रहेगी तो फिर जेल की। तो अगर कोई महिला भाग कर चली जाती है तो क्या पति शादी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर कोई छुपकर पत्नी शादी करती है तो उसका कैसे इलाज करना चाहिए? मैंने पूरी दोनों सवालों का डिटेल में वीडियो बना दिया, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में छोड़िए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की, आई होप आज समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।